Happy anniversary! Guys, welcome back to my channel, welcome back to another vlog, welcome back to another beautiful day. तो आज जा रहे हैं हम वैक्सीन लगवाने, अभी जूते पहने नहीं है मैंने, पहनना बाकी है। ये मेरा क्विक लुक है और टेंशन बढ़ी है कि आज हो ही जाए इसके वैक्सीन, क्योंकि 2 वीक्स ज़्यादा हो गए हैं इसको जो डेट दी थी और बहुत परेशान हूँ मैं, सीरियसली मैं बता रही हूँ कि मेरे लिए दुआ कीजिएगा बेबी के लिए खासतौर पर कि कोई इशू ना हो। यहाँ पे इंश्योरेंस के, पासपोर्ट के, वीज़ा के इतने इशू आ रहे हैं ना हमें, मुझे लग रहा है बाकी को भी सेम इशू फेस करने होते हैं खासतौर पर पाकिस्तानियों को। बट आई होप सो आज कोई इशू ना आए। चलते हैं, टाइम हो रहा है, 10 बज रहे हैं, 10:30 को पहुँचना है। जल्दी जल्दी का लुक मुझे बताइएगा, मेरा लुक कैसा लगा। बस जैकेट वैक कर ली क्योंकि बाहर बहुत ठंड लगती है और ये मेरा आज का थोड़ा सा, ये कौन सा लुक कहेंगे हम, ट्रेडिशनल तो नहीं है ना, इस लुक को क्या कहते हैं मुझे क्या पता, मॉडर्न लुक। ट्रेडिशनल लुक तो नहीं है ना, जैसे पिछली बार पहना था लॉन्ग गाउन टाइप। तो बस समझ ही नहीं आ रहा था क्या पहनूं इस जैकेट को। अगर आप लोगों को पता, जो मेरा ब्लॉग फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि मैं पहले पहन चुकी हूँ। तो ये वाला ब्लॉग बेसिकली हाफ मैंने डाला था बिकॉज इस जैकेट में मुझसे ब्लॉग डिलीट हो गया था, तो मैंने सोचा आज फिर से वेयर किया जाए। और कपड़े रिपीट करना कोई बुरी बात नहीं है भाई, अब इतने सारे कपड़े लो मैं लेने से रही, अलमारी मेरी बेचारी इतनी छोटी सी है और इतना बाप का पैसा नहीं है मैं बता दूँ, और मेरे मियाँ जी का मैं पैसा इतना ज़्यादा नहीं करूँगी। तो बस अप्रिशिएट कीजिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारा प्यार कीजिए। और आगे मैं कंटिन्यू करूँगी आकर रमज़ान, डे 3 है रमज़ान का, क्या बनेगा आज इफ्तार में आपको बताया जाएगा। सहरी में फिलहाल मैं रिकॉर्ड नहीं कर रही कुछ भी, क्योंकि क्या ही होता है, ज़्यादा कुछ खास नहीं होता। और सहरी में मुँह ऐसा बना होता है ना, 3 बजे उठती हूँ मैं, जल्दी जल्दी सहरी करनी होती है 1.5 घंटे में, और बेबी को देखना होता है बिकॉज सुबह सुबह वो उठ जाती, सुबह सुबह भी नहीं आधी रात होती है वो उठ जाती है, नमाज वमाज करना, सहरी बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, दैट्स व्हाई वो रिकॉर्ड नहीं कर रही फिलहाल। बट किसी दिन सोच रही हूँ वो भी करूँ, और क्या बनाना है वो भी आपको बताऊँ। फिलहाल तो अंडे पराठे और तरकारी वगैरह बन रही है, ऐसे ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि शुरू के दिन में इतना हेवी खाया भी नहीं जाता, आप लोग अग्री करते होंगे। ठीक है, मिलते हैं बाद में, टाटा। बस बस चलते हैं। है? अब ये लेना एक बार बस। जवाई खान कौन सा चल रहा है, हमारा आ गया इतनी जल्दी। फॉर बॉल, अच्छा बेबी यहाँ मैं हूँ इस बैग के साथ, क्यूट उसी बैग के साथ एंड क्यूट उसी शूज के साथ। हाँ जी, आ गई कॉल, क्या कहा, बुला रहे, लेट्स गो, लेट्स गो गाइस, टेंशन हो रही है। सॉरी, रूम वन,
ये है हमारा थोड़ी हो बन जाएगी के अलावा तो कुछ नहीं बोला ना नहीं नहीं हम इसको बांध के रखते हैं बच्चे डरते हैं ना रात में डॉक्टर हैरान हो गई इतना मंदा हुआ है क्या पिलाऊंगा घर भी पहुंच जाएंगे हाँ हाँ अभी तो घर चल रहा है क्या ही बना रहे हैं वो गए क्यों दोबारा पूछ के देखते दोबारा फोन आएगा फिर पूछ के देखते हैं मैं कह रही हूँ जो पोलियो के कतरों का होता है वो स्मैड है ना वो पोलियो का कतर अच्छा एक बार होता है पोलियो कतर लाइफ में एक ही बार पोलियो कतरे पिलाते हैं जिसमें वो होता है ना चिकन पॉक्स और ऐसी बीमारी होती है ये सारी कवर है ना ये सारे यही मसाज करूँगी सर हाँ तेज लगा ये पहले ही होना शुरू होगी पैंपर उतारते साथ उसने पेट दबा दबा के चेक किया फिर कहा नॉर्मल है फिर उसके बाद जो तेज रोई एक साथ पर चुप हो गई ये कह रही है ये तो सदोरी अच्छी है ये ज़्यादा रोया था हाँ माशाल्लाह ये पूरा आधा घंटा कह रही है ना आधा घंटा रोया था ऐसा आधा घंटा वेट करना पड़ेगा कि मैं यहाँ से सेटिस्फाई होकर जाना चाह रही हूँ कि कह रही है कि कोई इन्फेक्शन वगैरह चेक करना होता है तब ये देखें ये चेक करें अच्छा हाँ सॉरी एलर्जी ये चेक करें बच्चों के कार्टून ये कार्टून कौन से हैं तुम तो नहीं लगाती ये चेक कर रहे हैं अभी भी रेड है कि इसको याद आ रहा है नो 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 ऑब्वियसली अब इंजेक्शन लगेगा तो ऊपर से रोजे में बुलाते हैं यार ये लोग इतने अब घर जाके बंदा नमाज पढ़े तारी बनाए काम काम होते हैं लड़कियों को क्या रोजा लगा नहीं है तो काम कितने हैं तारी बनानी है अभी नमाज भी नहीं पढ़ी है चलो उसकी बनानी है अपने सब्सक्राइबर को क्या बताऊंगी फिर वैसे ब्लॉग तो बनाना है ना चलो थोड़ा बहुत ही बनाए हम कौन से इतना आलीशान बनाते हैं पर जो आलीशान है नहीं 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 अल्लाह देखो ज़रा नहीं वैसे नहीं बात कर रही हूँ जैसा बनाते हैं शुक्र अलहमदिल्ला मैंने कल के ब्लॉग में भी बोला है बट यार थोड़ा बहुत जैसे ही बनाने का आज क्या बनाएं खाना नहीं बना मेरे साथ डिसाइड किया खाना नहीं बना बिकॉज इतना हेवी हो जाता है आप लोग कह रहे होंगे खाने को मैं मना कर रही है कि खाना बच जाता है और मैं ज़ाया नहीं करना चाह रही अन्न का अपमान होता है चले गाइस अब फिलहाल कंटिन्यू करते हैं यहाँ तक के लिए इतना ही इतनी हिम्मत दे अल्लाह कि रोज़ ब्लॉग डाल सकूँ मुझे कंटेंट सोचने में बड़ा होता है कि क्या डालूँ क्या डालूँ हम उठ तो 7 बजे जाते हैं बच्चे उठा देते हैं 3 दिन का मटेरियल तो मिल गया आई होप सो आगे 27 दिन का भी मिल जाए बनाओगी तो फिर नहीं अपनी आँखें बंद कर लेती हूँ वायरस अभी तक नहीं गया ये चक्कर लाइनर बस क्या था आज मैंने थोड़ा टिफिन करने की कोशिश की अपने लोग को जो ट्रेडिशनल पहन पहन के मैंने कहा जितने भी मेरे पास आ रहे थे मैंने इनकी शर्ट उठाई टी शर्ट और अपना कोट उठाया बस पहन लिया बस फैशन करना आना चाहिए चीज़ें बहुत है घर में पहनने को मिलेगी और क्या बताऊँ अच्छा हाँ यहाँ फ्री लगा है इसको वैक्सीन ये मैं बता दूँ सेहा अगर आए हैं अबू धाबी में तो सेहा फ्री है वो लगा सकते हैं बिकॉज बट उसका कार्ड बना होना चाहिए और एक वो कार्ड जो बाद के टाइम में मिलता है बिकॉज यहाँ ये प्राइवेट हॉस्पिटल में मिली है तो उसका कार्ड बना हुआ था जिसमें फर्स्ट वैक्सीन उनकी तरफ से थी और सेकंड वैक्सीन तो वो 1000 दिरहम की दे रहे थे 6 वैक्सीन उसमें ऐड होती हैं
ये LLHS हॉस्पिटल का बता रही हूँ, अबू धाबी का, इनको आपको दे रही हूँ कि भाई वो ये वैक्सीन कवर नहीं करते हैं, फर्स्ट के बाद तो सारी कवर नहीं करेंगे, वो बहुत एक्सपेंसिव है। सेकेंड में तो चलो 1000 dirham में 6 वैक्सीन लग सकती हैं, पर बाकी आगे जाके एक वैक्सीन 1000 dirham की है। कैन यू बिलीव, मतलब पाकिस्तानी ऑलमोस्ट 1 lakh की एक वैक्सीन, पागल हो गए। हमने सर्च किया था, डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था, जब पासपोर्ट बनाने गए तो माई फ्रेंड बनी, उनका भी सेम इशू था, हस्बैंड वाइफ का, कि इंश्योरेंस नहीं बना हुआ था, तो उन्होंने भी उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि सहा, तब जाके हम सहा आए हैं, 2 ब्लॉक पहले ही पासपोर्ट का डाला है, ब्लॉग आप उसमें चेक कर सकते हैं। पासपोर्ट बनाने को दे दिया है, 1 महीने बाद आ जाएगा इंशाल्लाह। और देखो मैं पूरी नज़र आ रही, पिछले ब्लॉग में मैं हाफ नज़र आ रही थी। फीवर ना आए इतना, वैसे फीवर आना सही होता है या नहीं है वो मुझे कंफर्म नहीं है, इतना आइडिया नहीं है, पर ये कह रही है कि फीवर आना ठीक है। ये देखो सेल्फ पे हम बिजी हैं, वो सेल्फ पे चला रहे हैं। चलो मिलते हैं, बाय। One hour later. Hello guys, तो आज इफ्तारी स्टार्ट हो रही है, ये हमारी चाट फिलहाल बन गई है। ये बताओ ये पकौड़े का बैटर बन गया है, हाँ इसमें ज़्यादा पानी तो नहीं हो रहा। और ये पैटिस, और ये टेबल पे दिखाएंगे, यहाँ पे आई थिंक ऊपर से मेरे ग्लासेस पहने हुए, इन्फेक्शन की वजह से तो दिख नहीं रहा, ये पैटिस बन रहे हैं। और ये साथ में, हाय मेरी बेटी फिर से रो रही है, उसको पेन हो रहा है, आज वैक्सीन लगी थी ना, और ये ब्रोस्ट बन रहा है, ये पूरा बन जाएगा, यहाँ दिखाओ, अब ये पूरा बन जाएगा तो आपको दस्तरखान पे दिखाया जाएगा। फिलहाल वो रो रही है तो मैं भागती हूँ। A few moments later. ट्राई करो, मेरा इतना फर्क पड़ा है, यम्मी। आज के दस्तरखान की सबसे यम्मी और सबसे, जिसके लिए एक्साइटेड हूँ रोजा खोलने के लिए, वही है। लुक है, पता नहीं कैसी दिख रही हूँ मैं, थोड़ी ठंड लग रही है, थोड़ी निकासी लग रही है, बीच में ऐसे ऑन कर दिया था, हम ऐसे ऑन करके गए थे, जब आए तो फिर उठा पूरा रूम, इन आवाज़ों और इनके साथ मैं कैसे बताऊँगी, कैसे बात करूँगी अपने सर, वो और चिल्ला रहे वहाँ से। बस आज वैक्सीन लगी है ना बेबी को, इसलिए काम नहीं कर पा रही ज़्यादा, आई होप तो शहरी बना पाऊँ, मुझे इतनी इजाज़त दे, नहीं तो क्या करूँगी यार, मुझे तो ये टेंशन हो रही है। खैर अब ये है तो बहुत हेल्प हो जाती है, लिटरली माशाल्लाह शुक्र अलहम्दुलिल्लाह, मतलब नजर न लगे। बस अब मिलते हैं दस्तरखान।